1947 से आज तक जो है इस इलाके में कोई भी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, कोई रोड नहीं है। यहाँ पर जो है 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है और हम यहाँ पर जो भी बीमार होता है हम खट पर उठा कर ले जाते हैं, देसी जो हिसाब होता है, और रास्ते में ही दम तोड़ बैठा है। और यहाँ तक कि हमें आज तक कितनी फाइलें दी है और वो गायब हो जाती है, वो सेंक्शन भी रोड हो गया उसके बाद वो गायब हो गया। तो हम सरकार से यही डिमांड करते हैं, LG सरकार से, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमें रोड दिया जाए। यहाँ के लोगों की डिमांड है, ये लगभग 2-3 हज़ार पॉपुलेशन पर मुश्तमिल इलाका है, पहाड़ी एरिया है, काफ़ी दूर दराज इलाके हैं। तो हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि हमें रोड दिया जाए। 15 साल से हमारा रोड सक्शन हो रहा है और रोड हर मई शाम सोचते हैं रोड काट दिया जनाब। इधर मसला ये है जी, जिसकी लाठी उसकी मैस। हमें उम्मीद थी, मैं भी NC का आदमी हूँ, हमें उम्मीद थी हमारी DDC चेयरमैन जो है हमारी NC से जीती है, मगर जनाब हमें बड़ी उम्मीदें थी उस पर। ये बार बार हम लोगों से सुनते हैं जी तुम्हारी चेयरमैन ने जो है रोड कटा दिया, कभी सुनते हैं जी तुम्हारे किसी ने रोड कटा। अभी 4 दिन होते हैं जी, कहते हैं भाई रोड का काम शुरू होने वाला है, 4 दिन के बाद जनाब रोड का वो ख़त्म हो जाता है मसला हमारा। माँ बहन हमारी लड़की कोई बीमार होती है, जब इधर से हम जनाब ले जाते हैं रस्ते में उसकी डेथ हो जाती है, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जनाब हमें। ठीक है सर, अपील कुछ नहीं करनी है मैंने, LG साहब से भी ऊपर रोड सेंक्शन कर लाया, दो दफ़ा लाया। यहाँ हमारी DDC चेयरमैन जो मैडम साहिबा गोयल की है शमशादा, उसे सिर्फ वो इन 4-3 सालों में अपना 90% काम करते रहे गोल के लिए। फॉरेस्ट वालों के 2 दरख्त हैं वो भी काटने देते हैं, यहाँ कहते हैं हाँ जी यहाँ फॉरेस्ट एरिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार मैं उसके पास गया रिक्वेस्ट की, बार बार 3 बार हमारा रोड सेंक्शन हुआ और काट देते हैं।